शिक्षक दिवस को लेकर जहां देश भर में सभी छात्र अपने शिक्षकों और गुरुओं को नमन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक ने शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। बता दें कि हनवारा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षक दिवस पर एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शिक्षक ने स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक अनबारुल अंसारी स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया और इस मामले को लेकर अपने अभिभावकों को जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद दर्जनों ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। कुछ बच्चे को गलत निगाह से पढ़ा रहे थे, जैसे बच्चा का कहना हुआ कि हम लोग कुछ गतिविधि, शिक्षक का कहना है कि हम गतिविधि से पढ़ा रहे थे, बच्चे का कहना है कि हमको पढ़ाने के क्रम में कुछ गलत सब बात पूछते थे और कुछ वीडियो दिखाए हैं। ये हम लोग के सामने में आया, इसके लिए हम लोग कार्रवाई उस पर कर रहे हैं और जहां तक होगा उसको जितनी भी कार्रवाई करना हम लोग उसको छोड़ेंगे। इससे पहले भी सुने थे किस तरह का घटना होता है? इसके पहले कुछ बड़ी, देखिए कुछ बात ऐसा, मतलब इस तरह का खुलापन सामने में कोई बात हम लोग के सामने में नहीं आया था। जरा मरा कुछ बात हुआ था तो वो लोग शिक्षक लोग ही अपना माइनस प्लस कर ले होंगे, लेकिन हम लोग को इस तरह जो परसों की खुल के सामने आई है बात, वो हम लोग के सामने में। जी आपके स्कूल में कुछ मामला चल रहा है दो चार दिन से? हाँ, क्या मामला है? मेरा यहाँ पोती पढ़ता है सर। जी यहाँ सुना कि गांव के अनबारुल मिस्टर जी जवान जवान बच्ची यहाँ पढ़ती है जी जी, उनके साथ में ये मोबाइल से गलत गलत बात दिखाता है। यही चर्चा पाल आप लोग यहाँ हम लोग आए हैं। आज मैं अपना बच्चा को समेट लिया कि जब तक यहाँ इंसाफ नहीं होगा मैं मतलब क्या बच्चा को स्कूल आना बंद कर दिए तो फिर उसका शिक्षा से तो दूर हो जाएगा ना बच्चा? इज्जत के खिलाफ चल रहा है यहाँ मास्टर साहब, यहाँ इज्जत पे धावा बोल रहा था इसीलिए बच्चा को बंद कर दिए। तो क्या आप सरकार से या प्रशासन से क्या मांग करते इस तरह की शिक्षा को? यही मांग कर रहे हैं कि मेरा स्कूल सुधार हुए। जो भी तथ्य मेरे सामने आई है परसों जो है, मतलब आज हो गया 5 तारीख, कल 4 और परसों 3 तारीख, 3-9 को हमारे संज्ञान में कुछ बातें आई और जो भी मैंने बातें आई, जो सूचना हमको प्राप्त हुई, हमने तुरंत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और इस संग्रामपुर के गणमान अभिभावकों को बुलाया और इस बात की जानकारी दी और जानकारी देने के बाद तथाकथित तौर पर जो है तुरंत एक बैठक बुलाए और उनमें हमारे विद्यालय के सभी सदस्य मौजूद थे। बच्चियों को भी बुलाया गया, उनमें कुछ चीज़ें सत्य पाई गई और कुछ चीज़ें जो शिक्षक हैं हमारे उनका कहना है कि हम गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे थे, है ना, और बच्चों का कहना है कि ये सर जो है हमको कुछ गलत गलत बात सिखा रहे थे, कुछ गलत चीज़ें चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे। तो सभी ने जो है इस पर निर्णय ये लिया कि ये दोषी हैं, इनका कई बार जो है सो इस तरह का मामला आ चुका है, तो निश्चित तौर पर इसको जो है विभाग को लिख करके दिया जाए। ग्रामीणों तो के द्वारा साफ शब्द में कहा गया है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक के द्वारा अश्लील बातें और अश्लील चीज दिखाई जाती है, इसमें कहां तक सत्य है तो बताइए। सर शिक्षकों के द्वारा नहीं, एक ही शिक्षक का उसमें शिक्षक है, एक ही शिक्षक है ना, सहायक अध्यापक है ये और संग्रामपुर के ही है वो, ठीक ना। तो मतलब अभी जैसे आप बोले ना शिक्षकों के द्वारा, तो एक ही शिक्षक है और उनका कहना यह है सर, हम दोनों पक्ष की बात बता रहे हैं, बच्चियों का कहना है कि गलत बातें की जा रही थी, गलत चीजें बताई जा रही थी, इशारा किया जाता था, वीडियो क्लिप्स दिखाया जाता था, लेकिन जब शिक्षक से पूछा गया तो उनका तर्क यह है कि हम गतिविधि के माध्यम से बताते थे कि ये मतलब बाँ है, ये नाभि है, ये है, इस तरह से वो अपना स्पष्टीकरण दिए हैं हम लोग के बीच। लेकिन फिर भी अन्य लोगों ने, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे सब ने मिल करके उनको कहा कि नहीं ये गलत है, इनका व्यवहार गलत है, तो निश्चित तौर पर इसको विभाग को लिखा जाए। तो सर एक आवेदन जो है वहीं पे तैयार किया गया और सबका ये निर्णय हुआ कि प्रधानाध्यापक महोदय के माध्यम से चूंकि विद्यालय का मामला है तो उनको आगे दिया जाए। हम लोग जो है सो इस आवेदन को तैयार किए, इस पर सबका साइन है और उसको जो है आज जो है जैसे ही हम लोग बीओ सर को पहुंचाने के लिए जाने वाले थे तब तक मैं पता चला कि इस तरह से जो है सो लोग आ रहे हैं और आप लोग आ गए जो है। आप लोग आप प्रधानाचार्य सर जी? प्रभारी प्रधानाध्यापक है हम सर। आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है? हमारे द्वारा सर एक्शन ये लिया गया कि ये इस तरह की घटनाओं का सर सबसे पहले हमारे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक निंदा करते हैं, SMC के सदस्य सभी ने निंदा किया, इनको जो है बहुत डांटा दुत्कारा, गलती भी मनवाया गया, उन्होंने गलती भी माना है, ऐसी बात नहीं है। कौन गलती माना है? वो जो है सो बोले कि नहीं, कौन गलती माने, नाम क्या सुन? ओ अनबारुल होता मैंने जो गलती वो गलती भी माना, आप लोग के सामने गलती माना। सभी सदस्यों के बीच यहाँ पे कई सदस्य मौजूद हैं, वो जो है सो गलती माने और एक बार नहीं 3-3 बार गलती माने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये गलती सब बर्दाश्त करने वाली गलती है नहीं सर,
हम जब तक यहाँ रहेंगे इस तरह की किसी भी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो कभी इस तरह की गलती हमसे भी हो जाएगी तो हम अपने आप को भी क्षमा करना पसंद नहीं करेंगे। वो तो आप इस स्कूल में कितना दिन से हैं? हम सर अभी फिलहाल 5 महीना हुआ है। प्रधानाध्यापक 5 महीना, लेकिन कितना दिन में मतलब है? तो सर यहाँ हम तकरीबन 5 साल 5 साल 5 साल से, यानी 7 फरवरी 2019 को मेरी। लेकिन इससे पहले भी आप जो पहले प्रधानाध्यापक थे उसके रीजन में भी ये मामला हुआ था, क्या आपको जानकारी था उस समय? जी नहीं सर, ये सब ये सारी बातें हमको परसों ही पता चली। आपको अभी बताए ना, आप ध्यान नहीं दिए। अभी हम आपको बताए कि वहाँ पे जो है सो उनके द्वारा बताया गया कि ये इनकी पहली गलती नहीं है, ठीक है ना? मतलब बार-बार गलती कर रहे हैं। इससे पहले भी मतलब कथित तौर पर, देखिए कोई साक्ष्य भी नहीं है सर। हम बच्चों से पूछे, अगर बच्चों से आप चाहे तो बुला के पूछ सकते हैं। हमने कहा कि बेटा किसी को मतलब ये सर ने टच भी किया क्या, मतलब हाथ से टच भी किया? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, टच उच नहीं किए हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं सर, और अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सर ये विभागीय कार्रवाई की ओर है मामला। विभाग में इसको जो है सो मैंने सूचित कर भी दिया गया है, ये लिखित रूप से आज सूचना जाएगी। उन पर विभाग का क्या एक्शन होता है वो इसका इंतजार सभी लोग करें।